कैमरामैन तनी हरे आ रे आ सारे मुंह में ढुका देगा कारे पीछे जा सारे। अरे सारे इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, मैंने निकाह चप्पल मार देंगे, जूते जूते बता रहे हैं। ठीक ठीक लगा ले इसको, आए मैंने इसको सारे धमोड़ी सूझ रहा है, मैंने तुमको नहीं पता है, नमस्ते, मैंने तुमको नहीं पता है कि मैंने खेसारी भाई जो है आज सुबह एक गाना रिलीज हुआ है जो एक नाम है कि हमारा से ड्यूटी डबल ना हुई। गाना सुनेंगे नहीं सुने, जाग पहले सुनो। देखो हमने गाना सुन लिया, खेसारी भाई उसमें बोल रहे हैं कि समस्या का हल ना हुई, हमारा से ड्यूटी डबल ना हुई। तो मैंने जानते हैं आपसे ड्यूटी डबल ना हुई, तो एक काम करिए जो मनी भत्राचार्य हमको दे दीजिए, हाँ एक टुक हम संभारेंगे, एक टुक आप संभारिए, बिल्कुल हमारा भी जिंदगी कट जाएगा, आपका भी जिंदगी कटते रहेगा, मतलब टेंशन दूर। हाँ अच्छा बता रहे हैं कि मतलब पवन भैया भी अपना गाना रिलीज किया है एंगल म्यूजिक कंपनी से, गाने का नाम है लाइटर। हाँ उनका गाना भी सुना, पता नहीं क्या बोल रहे हैं कि लाइटर लेके चले ली, आग लगाओ चले ली, ऐसे कुछ गाने मतलब है। ठीक है तो आओ तनी समझ बूझ लेते हैं कि दोनों जनी का किसका गाना अच्छा, किसके गाने ज़्यादा लाइक व्यूज आए हैं। तो वीडियो बने रहो लास्ट तक, बाकी चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। देखो खेसारी भाई गाना रिलीज हुआ है कैप्टन वॉच हिट से, ठीक है, वैसे ससुर जब सर्च करो उस चैनल को तो मारे को दूसर चैनल आ जाते हैं। ठीक है तो गाना को हमने सुन लिया, समझ लिया, बहुत चटकदार गाना है और इसी टाइप का गाना आज से दो दिन पहले आया था, सेम कंसेप्ट में गाना था, गाने में तो एक में तो हाँ शायद मतलब लगभग सेम गाना, बस मनी भद्रा चार गाने में डाल दिया गई है, नहीं तो दोनों गाने में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है, दोनों को बात देख के है। ठीक है अभी आया था ना कि एक होगा दिल के करा के दी, ठीक, और इसी टाइप का गाना ये भी है, तो मतलब मज़ा आ जाता है। फिल्म का गाना सिर्फ खेसारी भाई चला सकते हैं ना, हमको पता है, और आज जो गाना रिलीज हुआ है माइंड ब्लोइंग, मज़ा आ गया बिल्कुल सुनने के बाद में। क्या बात बोले हैं कि हमारा से ड्यूटी डबल ना हुई, तो वही तो कह रहे थे कि ठूक हमको दे दीजिए, हाँ बढ़िया उंगाई लगेगा रात में। हाँ तो पवन भैया अपना गाना रिलीज किए हैं जो उनका नाम है लाइटर, हमने गाना देखिए हम एक बात बता देते हैं, जब हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो गाने में क्वालिटी घट जाता है, और पवन भैया आजकल चाँप के गाना रोज़ रिलीज कर रहे हैं, इसीलिए उनके गाने पे व्यूज आना बंद हो गए हैं। जाके उठा के देख लो आज से 10-20 गाना, मतलब 10 मिलियन व्यूज बड़ा मुश्किल से जा रहे हैं, अगर गया होगा तो उस पर ऐड लगे होंगे, इसी को वजह से कम व्यूज आना शुरू हो गया है। ठीक है आजकल पवन भैया भी ठेकेदारी कर रहे हैं, जब खेसारी भैया गाना रिलीज कर रहे थे तो बोला था अरे वो ठेकेदारी करते हैं, हम ठेकेदारी ना कर ही ले, तो आजकल का है रोज गाने के गाना पेल रहे हैं। ठीक है हम बताएं ये अभी इसलिए सारा गाना रिलीज कर रहे हैं क्योंकि ये बोले हैं कि हम 30 तारीख के बाद हम बोलबम सॉन्ग रिलीज करेंगे, तो कंपनी वाला बोलेगा अरे यार अब 2 महीना तक तो बोलबम चलेगा, हमारा गाना 2 महीने के बाद रिलीज होगा, इससे अच्छा कि ही बीच में हम रिलीज कर देते हैं। ठीक है देखो हम जानते हैं कि क्वांटिटी बढ़ाने से क्वालिटी घटता जाता है, तो वही हो रहा अभी पवन भैया गाने में, कुछ ज़्यादा मज़ा हमको आ नहीं रहा, हर एक गाने में वही एक एक कंसेप्ट, हीरो बाइक लेके आएगा उतरेगा लड़कियाँ को धमकाएगा मारेगा चटकन से, यही कुल होता है गाने में। हाँ जाके सुन सकते हो, बाकी लाइक व्यूज की क्या बात करें, उनका एल्बम सॉन्ग है और खेसारी भाई का मूवी सॉन्ग है, लेकिन लाइक व्यूज की क्या बात करें, सेम टू सेम है। हाँ हम तो कल ये कह रहे थे कि मस्त वाला कंपटीशन होगा, ठीक है, वैसे गाना खेसारी भाई बहुत ज़बरदस्त है, रील्स में बहुत ज़बरदस्त वायरल होगा, हम लिख के दे रहे हैं कापी पन्ना में, लिख लियो साइन कर देते हैं, वायरल होगा। ठीक है बाकी त्योहार पर जन का क्या मानना कमेंट करके बताओ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, चैनल को जो है चाँप के सब्सक्राइब कर लो, पाल आगे नमस्ते।